डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट, जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। जो सपना 2025 में पूरा होना है, उसकी उपलब्धि भरी बयार का पहला अनुभव आज मेरठ वासियों ने किया। दरअसल रैपिड ट्रेन यानी नमो भारत ट्रेन रविवार की दोपहर 2 बजे से मेरठ साउथ से शुरू हो गई। मेरठ साउथ स्टेशन यानी भूड बराल से साहिबाबाद तक 42 किलोमीटर का सफर इसने 32 मिनट में पूरा किया। आज रैपिड ट्रेन 155 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ी। बीते दिवस ही आज से रैपिड ट्रेन मेरठ से आरंभ होने की जानकारी NCRTC द्वारा साझा की गई थी। माना जा रहा है कि मेरठ के अंदरूनी हिस्सों को यह ट्रेन 2025 तक पार कर लेगी। आज इसकी किराया सूची भी जारी कर दी गई है। ये ट्रेन मेरठ साउथ, मोदी नगर नॉर्थ, मोदी नगर साउथ, मुराद नगर, दुहाई डिपो, दुहाई, गुलधर, गाजियाबाद होते हुए साहिबाबाद स्टेशन पहुंची। साहिबाबाद स्टेशन के नजदीक ही वैशाली मेट्रो स्टेशन है। यहाँ से लोग मेट्रो में बैठकर दिल्ली में कहीं भी जा सकते हैं। मेरठ का साउथ स्टेशन शहर का आउटर पॉइंट है। मेरठ शहर के अंदर मेट्रो ट्रेनें चलाई जाएंगी। वह मेरठ साउथ स्टेशन पर आकर नमो भारत ट्रेनों से कनेक्ट हो जाएंगी। firstbite.tv के कैमरे ने इन पलों को कुछ इस तरह से कैद किया, देखिए। इस दौरान कुछ यात्रियों ने भी अपने अनुभव साझा किए, देखिए। सर आज क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुज त्यागी है। अनुज, कैसा रहा आज का सफर? आज का सफर बहुत अच्छा रहा सर। इसकी सुविधा इसके देखते हुए, इसका टाइम बहुत ही कम है, बहुत ही कम समय में ये हमें इधर ला रही है, और फैसिलिटी फुल है इसमें। हमको सर्विस के लिए इसमें TA भी है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है हम उससे कह सकते हैं, और वैसे सब कुछ अच्छा था। नमस्कार, मेरा नाम शुभम शर्मा है। शुभम, आज कैसा रहा सफर? सफर बहुत आरामदायक रहा। आज मैं पहली बार साहिबाबाद से मेरठ साउथ के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ। पहले जो हम लोग ट्रैवल करते थे वो मोटरसाइकिल वगैरह से ट्रैवल करते थे, उसमें हमें बहुत जाम की स्थिति का महसूस होता था, बट नमो भारत ट्रेन चलने से सफर बहुत आरामदायक हो चुका है।